लगातार दो हादसों के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की इस्तीफे की पेशकश, ट्वीट पर दी जानकारी। सुरेश प्रभु ने लिखा, हादसे में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा, पीएम ने कहा इंतजार करें। ट्वीट में सुरेश प्रभु ने लिखा, पीएम चाहते हैं सुरक्षित और आधुनिक रेलवे, मैंने 3 साल खून पसीना बहाकर किया था। लगातार हादसों के बीच सूत्रों के हवाले से आई खबर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अशोक मित्तल ने सौंपा इस्तीफा, अश्विनी लोहानी को मिली जिम्मेदारी, पहले एयर इंडिया के थे सीएमडी। सुरेश प्रभु के इस्तीफे पर शिवसेना की प्रतिक्रिया, मंजूर हो इस्तीफा, बुलेट ट्रेन से यात्रियों की सुरक्षा जरूरी। खतौली के बाद फिर सामने आई रेलवे की बड़ी लापरवाही, कानपुर रूट पर अचनंदा और पाटा स्टेशन के बीच डंपर से टकराई ट्रेन, दिल्ली से भेजी गई राहत ट्रेन, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, 20 से ज्यादा लोग घायल। मुंबई के सानपदा स्टेशन पर भी दिखी रेलवे की लापरवाही, जीआरपी कांस्टेबल और होमगार्ड ने प्लेटफॉर्म पर पड़े शख्स को दूसरी ट्रेन में डाला। 3 जुलाई रात 1 बजे की घटना, 10 घंटे बाद अस्पताल पहुंचने पर शख्स की हो चुकी थी मौत, अब तक नहीं हो सकी है पहचान, कांस्टेबल सस्पेंड। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई। अरुण जेटली ने कहा, ओबीसी में बनाई जाएगी सब कैटेगरीज के लिए आयोग का किया जाएगा गठन। जल्द आ रहे हैं 200 रुपए के नोट, आरबीआई की सिफारिश में सरकार की हरी झंडी। रिजर्व बैंक ने 50 रुपए का नया नोट जारी करने का कर चुका है ऐलान, नोटबंदी के बाद करेंसी की किल्लत की वजह से फैसला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर अदालत का फैसला, आने से पहले पंजाब और हरियाणा हाई अलर्ट पर, डेरा प्रवक्ता का बयान, लोगों की भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल। फैसले से पहले बड़ी तादाद में जमा होने लगे हैं राम रहीम के समर्थक, घरों में पेट्रोल डीजल और पत्थर जमा करने की भी मिली खबर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ रेप केस से 25 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला, पंचकुला में 24 से 25 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल। चंडीगढ़ पुलिस ने जारी की प्रेस रिलीज, जरूरत पड़ने पर चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की कही बात, चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में पुलिस की तैनाती, एहतियातन सुरक्षा इंतजाम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी, कल से चल रहा है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश में जारी है सर्च ऑपरेशन, सेना के हेलीकॉप्टर से भी निगरानी। कल भी मुठभेड़ में मारा गया था एक आतंकी, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के बारामूला जेल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, छापे में मिले 20 मोबाइल फोन। जम्मू के विमेंस कॉलेज में छात्रों का हंगामा, एक छात्र की ड्रेस पर प्रिंसिपल की टिप्पणी को लेकर विरोध। मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जेल से रिहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रिहाई के बाद पुलिस ने कर्नल पुरोहित को सेना को सौंपा, अब आर्मी हेडक्वार्टर में आगे की प्रक्रिया। सेना मुख्यालय में कानूनी प्रक्रिया होने के बाद पुणे जा सकते हैं पुरोहित, पुणे में ही रहता है उनका परिवार। करीब 9 साल बाद मुंबई के तलोजा जेल से बाहर आए कर्नल पुरोहित, आक्सर से कहा जय हिंद, सेना तय करेगी आगे की जिम्मेदारी। पुरोहित की रिहाई पर पत्तियां पड़ना ने जताया संतोष का, अब नए सिरे से शुरू होगी जिंदगी। चिदम्बरम के बेटे कार्ति से आज सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ, आईएनएक्स मीडिया केस में पेशी। कार्ति पर 2007 में विदेशी निवेश हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में गड़बड़ी का आरोप, उस वक्त चिदम्बरम थे देश के वित्त मंत्री। बीकानेर जमीन मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा, 3 साल में राजस्थान पुलिस एफआईआर और चार्जशीट में नहीं जोड़ सकी मेरा नाम। रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा, जबरन केस इंसान की एक और कोशिश, राजस्थान सरकार को अपनी पुलिस पर नहीं रहा भरोसा। जेबी बिल्डर के खिलाफ फ्लैट खरीदारों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कल याचिका पर होगी सुनवाई। सृजन घोटाले पर बिहार में सियासी बवाल तेज, विधानसभा के धरने पर बैठे तेजस्वी। लालू यादव का आरोप, नीतीश के इशारे पर काम कर रही है एसआईटी, नीतीश को बताया खजाना चोर सीएम। 27 अगस्त की रैली के लिए आरजेडी के पोस्टर से सजने लगा पटना, तेजस्वी यादव का दिखा बाहुबली अवतार। आदेश में 4 विधानसभा सीटों पर थे उपचुनाव, दिल्ली गोवा और आंध्र प्रदेश में थी 4 सीटें। दिल्ली के बवाना सीट पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला, आप विधायक वेद प्रकाश इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से खाली हुई थी सीट। गोवा की पंजिम और वालपोई सीट पर मतदान खत्म, पंजिम से सीएम मनोहर पर्रिकर ने डाला वोट।
आंध्र प्रदेश की नांदियाल विधानसभा सीट पर मतदान पूरा, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। जेटली बानहाने केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को भेजा नोटिस, गलत हलफनामे पर मांगा जवाब। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर कसा शिकंजा, ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक पाबंदियों की सूची में डाला। ब्रिटेन की सूची में दाऊद के पाकिस्तान से 3 ठिकानों और 21 उपनामों का जिक्र। यूपी के गोंडा को सीएम योगी का इंतजार, हिंदू युवा वाहिनी ने लगाया पोस्टर। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा आज 4 दिन के भारतीय दौरे पर, स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा साथ। जयपुर में लो फ्लोर की बेकाबू रफ्तार से जानलेवा हादसा, रेड लाइट तोड़कर बस ने 2 को कुचला। बेकाबू बस ने 19 साल के युवक को कुचला, 1 युवती का रेस्क्यू। करीब 35 फीट तक घिसटती गई लड़की, लोगों ने मिलकर बस को हटाया, लड़की बची जान। पूरे नासिक हाईवे पर खौफनाक हादसा, कार में जिंदा जले 3 लोग। पास से गुजरती रही गाड़ियां लेकिन किसी ने नहीं की मदद।